जिला से कोना कोना से आए हुए सब साथी मन, भाई मन, बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, लयिका मन भी आए बड़े संख्या में, पत्रकार साथी मन, अधिकारी मन, स्वर्गीय गहन सिंह जी के शहादत दिवस आज के दिन 1825 में अंग्रेज मन से लड़ते हुए शहीद होयरी से अंग्रेज मन के गुलामी न स्वीकार करते हुए अंग्रेज मन के खिलाफ लड़ाई के शंखनाद करते हुए स्वाभिमान के रक्षा करते हुए अपन प्राण के न्यौछावर करें। अकेला गायन सिंह नहीं बल्कि पूरा परलकोट और अबूझ माड़ के आदिवासी मन भी बड़े संख्या में उकर मन के शहादत हो है उगुमल्ला में नमन करा था। हमन सब 1857 के गदर ला याद करथन। आजादी के लड़ाई की शुरुआत 1857, लेकिन ओकर से पहली 1825 में बस्तर में अबूझ माड़ में परलकोट में ये जिन आजादी के छटपटाहट या पहला लौ पहला चिराग जिन जली से तिन हमारे बस्तर में जले गायन सिंह जी लो स्मरण करा था। रावटे जी बिल्कुल ठीक के इसकी पहली हमार समाज पढ़े लिखे नेरी से लिपिबद्ध नहीं करत रहे, नौकर कारण से हमारे मन के इतिहास इतिहास में हमारे मन के नाम दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन सनय सनय शिक्षा से नाता जुड़त गईस और इतिहास खंगाले गईस तो पहली शहादत गायन सिंह जी के, पूरा देश में पहला शहादत गायन सिंह जी के नाम से हम जाना था। गायन सिंह जी के स्मृति लक्षण बनाए रखे खातिर हमार हलबा हलबी समाज के पदाधिकारी मन अतेक बड़ा आयोजन करे है, मामला बधाई देता हूँ। काबर के जेकर इतिहास जतके गौरवशाली होते ओकर भविष्य ओतके उज्ज्वल होते। हमला हमार इतिहास ला हमार महापुरुष मन के योगदान ला जानना जरूरी है। हमार इतिहास के साथ साथ हमार संस्कृति, हमार बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, हमार सभ्यता एला भी जानना जरूरी है। और वही पाए के हमार छत्तीसगढ़ बने 18 साल के बाद पहली बार हरेली के तीजा के विश्व आदिवासी दिवस के कर्मा जयंती के हमन छुट्टी के घोषणा करें ताकि हमार पहचान ही तेन बरकरार रहे। ओकरे साथ साथ हमन अपन शिक्षा विभाग में हमार पढ़ाई हिंदी में होते, लेकिन ओकर अलावा छत्तीसगढ़ी में, हल्बी में, गोड़ी में, कुड़कू में, क्या कहते थे कुड़ुक के था कुड़ुक, अमरजीत भगत सरगुजा साइड आओ, हमार बहन आ है गीता वो साइड कुड़ुक भाषा में, गीता सी जी ओमन कुड़ुक भाषा में पढ़ाई करते। तो हमरो छत्तीसगढ़ में जत कन भाषा भाषी सब में ओकर प्राइमरी स्कूल में ओकर पढ़ाई के हम शुरुआत करें ताकि मातृभाषा में लड़का पढ़े शुरू करे। हमन उहे नहीं रुकें बल्कि हमार जिन पहचान है, संस्कृति है, तेला हम अल्लाह बरकरार रखना है, देश और दुनिया के सामने हम बताना है कि हमार कतेक प्राचीन हमार पहचान है। और अभी नारायणपुर जब में गे रहे हैं तो हमार जिन घोटूल है ओकर निर्माण पर एक एक घोटूल में चाहे 5 लाख रुपया लगे, चाहे 10 लाख रुपया लगे, चाहे 12 लाख रुपया लगे, जतका घोटूल है सब के निर्माण के 100 घोटूल बनाए के हम घोषणा करें। हमार बस्तर में बहुत हमार देवगुड़ी है, देवगुड़ी जंगल में है, लेकिन ओकर मन के कोई सुरक्षा ओकर
हम चाहते हैं कि ओकर सुरक्षा भी हो और वो सुंदर भी रहे वो जगह, ओकर बर भी चाहे वो बीजापुर गेन तब चाहे नारायणपुर गेन तब जतका भी देवगुड़ी के मांग है सबके विकास बर हमार राशि देहन। ये हमार मन के पूजक स्थल है। आज जब यहाँ आए हैं ठेमा बुजुर्ग में यहाँ पर मांग करा थे तो मैं यहाँ एक भवन बनाए बर 20 लाख रुपया के घोषणा करा रहा हूँ ताकि बहुत सुंदर भवन बन सका। दूसरा जन मांग है यहाँ के पुलिया बनना चाहिए और ओकर से आवागमन अवरुद्ध से ओकरों में घोषणा करा था अनिला भाभी के कि वो पुलिया बनना चाहिए। अभी समाज के तरफ से मांग हुई तू वो बात आ रही से ओकरों में घोषणा करा था। विकास के काम पर कोई कमी नहीं आमदन, लेकिन पुरखा मन के याद भी रहना चाहिए। मैं अभी बात करत रहे गैन सिंह जी के मूर्ति हमार बालोद में है, लेकिन औ मूर्ति भी लगना चाहिए, परलकोट में भी लगना चाहिए, वो क्षेत्र में लगना चाहिए। तो जहाँ तुम समाज वाला मन तय करो वहाँ बड़े बढ़िया आदम कद होकर मूर्ति की स्थापना हमन करबो, लेकिन वो जगह कौन हुई वो समाज वाला मन तुमन तय कर लो। चाहे वो कांकेर जिला में करना चाह तब कांकेर जिला वाला शिशुपाल जी भी आए है, बीरेश भी आए है, और बालोद जिला वाला मन तो बैठे छे सबो जन। तो जिहा आप मन बनाना चाहे एक भव्य आदम कद मूर्ति की स्थापना होकर किए जाए। हमारे आदिवासी बहुत प्राचीन संस्कृति हुई पै के हमन आदिवासी दिवस के अवसर में संग्रहालय राजधानी में संग्रहालय बनना चाहिए, ओकर पर 10 एकड़ जमीन भी आरक्षित करे हैं। तो जतका भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अकन जनजाति है ओकर मन के विशिष्ट अपन शैली है, ओकर अपन भाषा है, अपन बोली है, अपन रहन सहन है, खान पान है, रीति रिवाज है और इतिहास है, वो सब हमला वो संग्रहित करना है। नवा रायपुर राजधानी में 10 एकड़ जमीन हमारे आरक्षित करें, बहुत शानदार भवन बने और जतका अपमन की इतिहास है चाहे गोड़ हो चाहे हलवा हो चाहे उरांव हो चाहे वो मुरिया हो मारिया हो उस जतका भी हमारे जनजाति है सबके इतिहास। अमरजीत भाई की विभाग है वही पैक सुरता देवाते तो सबसे पहली हमार हमन तो पहली बार आयोजन करें तो कर बात कहते कि ऐसा आयोजन तो कहूं हो ही नहीं है, तो कहे कि ये राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नृत्य महोत्सव घोषित किया जाए। हम उनकर घोषणा कर दें तो दुनिया भर के जतका आदिवासी मन है वो मन मांग करी कि एला तो ये विश्व स्तरीय करे हस तेकर से विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव करो। हम कहने ये साल राष्ट्रीय करा थन अगले साल हो ही तो वो पूरा विश्व स्तर के हो ही। पिछले साल 6 देश के 29 राज्य के मन आए रही से, अब ये साल कोरोना के प्रभाव के कारण से वो आयोजन नहीं हुए, ये साल प्रभाव खत्म हुई तो अगले साल फिर आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजन करबो। तो दुनिया भर के जतका आदिवासी है बोला आमंत्रित करबो ताकि जान सके कि हमारे छत्तीसगढ़ कतेक समृद्ध है, हमार संस्कृति कतेक समृद्ध है, ये ला लोगन जान सके। अभी कुछ बात धान खरीदी भी होत रही से, कुछ बात दूसरों प्रकार के होत रही से, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमन ये सड़क पुलिया तो हमन बनावे करबो वो जरूरी है, लेकिन ओतके भर विकास नो है। हमार विकास के केंद्र में व्यक्ति है, वो व्यक्ति के विकास होना चाहिए। 2,80,00,000 छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी बेटा है, सबके विकास सबके उन्नति ये हमारे मन के लक्ष्य और ओकरे कारण से सबसे पहले हमन शुरुआत करें कुपोषण के खिलाफ। यहाँ 41% लड़का मन कुपोषित है, 37% लड़का मन कुपोषित है, 41% महिला मन के शरीर में खून के कमी। हम कहें पहली तो ही एकरे खिलाफ लड़ाई हमारा लड़ना है
ओकर सेती मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हम शुरुआत करें, बस्तर से शुरुआत करें, आज पूरा छत्तीसगढ़ में। यदि हमार लैका रिंगी चिंगी रही, पातर दुबर रही, कमजोर रही, तो मजबूत छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं किया जा सका है। ओकर सेती मजबूत छत्तीसगढ़ पर जरूरी है कि हमार लैका मजबूत होना चाहिए, ओकर स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ओकर शिक्षा के व्यवस्था होना चाहिए। हमरो लैका अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सके, ओकर पर 52 अंग्रेजी स्कूल पूरा प्रदेश में हम शुरू करे हैं, ताकि गरीब घर के लैका भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सके। नीट और जेईई के तैयारी करे पर भी विशेष योगदान, चाहे अनुसूचित जाति के हो चाहे जनजाति के हो, ओकर मन के व्यवस्था मन करें। हमरो लैका मन मेडिकल कॉलेज में जाए, IIT IIM में ओकर मन के एडमिशन हो, ओकरो पर कोचिंग के हमन व्यवस्था करें। रोजगार पर भी अभी हमार शिक्षक, भूतपूर्व शिक्षा कर्मी कहना चाहिए, अब तो शिक्षक बन गए ओमन। ओमन धन्यवाद दे रही से, दे बरा रही से, कि आज तक के शिक्षा कर्मी से एमन पीठ छुड़ाना चाहते हमार राज है, तो हमन पूरा शिक्षा कर्मी खत्म करके सब जनला शिक्षक बनाए काम करें। और 1998 के बाद पहली बार शिक्षक मन के भर्ती 15,000 पद के हमन भर्ती की शुरुआत करें। रोजगार के भी अवसर, हमार पुलिस के भी भर्ती बहुत जल्दी होकर शुरू हो जाए, ताकि हमार नौजवान लड़का मन नौकरी मिल सके। असिस्टेंट प्रोफेसर मन के भर्ती, PSC के एग्जाम, शायद रिजल्ट आजकल में कल निकलेगा, निकल गया आज, कल नेट में आ गई से, तो ओकरो हमन करा था, तो लगातार ओकर साथ साथ हमर मन के आय कैसे बढ़े, ओकर सेती धान के समर्थन मूल्य हमन बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार अड़ंगा लगे, इस पहली साल तो तुम्हारे 2500 रुपये हम दें, पिछले साल अड़ंगा लगे कि ते का बोनस देस तो तोर चाउर ला नहीं खरीदन। हम कहें ठीक है भाई, तोरे बात रही जाए, हम समर्थन मूल्य में खरीदें 1815 रुपये में, और साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करें। कोरोना काल में पूरा देश में, दुनिया में आर्थिक मंदी आ है, ओकर बावजूद भी जेन वचन आप मल्ल दे रहे हैं तेल पूरा करे खातिर किस्त में राशि हम दें। 3 किस्त मिल चुके हैं, चौथा किस्त 31 मार्च के पहले आप सबके खाता में आई। अभी फिर केंद्र सरकार कहा थे ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है तेन बोनस है, और मैं कह भैया ते सम्मान निधि दे थस 500 रुपये महीना 2 एकड़ के किसान ल, हमन 10,000 रुपया एकड़ दे था, प्रति एकड़ दे थन, चाहे वो किसान छोटे रहे चाहे बड़े रहे, तो जब ते दे सका था तो हमला काबर रोका थस, और 500 रुपया दे था यार, वो कल ज्यादा तो मोर गोबर ले बीन के पैसा कमा लेते। केंद्र सरकार है 500 रुपया दे थे महीना, 6,000 रुपये साल, उसका तो मोर गांव के पहाटिया मन है दहान में सकेल लेते, बेच देते थे, कोनो 25,000 कोनो 30,000 रुपये महीना कमाते, 4 महीना में 1-1.25 लाख रुपया कमा डे रहे, कोनो फटफटी खरीदा थे, कोनो मंगलसूत्र खरीदा थे, कोनो गाय भैंसी खरीदा थे। पहली तो धान बेच के फटफटी खरीदी समर संगवारी मन है, ये साल तो गोबर बेच के फटफटी खरीदा थे। उसी प्रकार से लघु अनुपज हम शुरुआत करें, पहली 7-8 के समर्थन मूल्य घोषणा हो रही से, ये साल हमन 52 लघु अनुपज के हमन खरीदी करा था, और वो खरीदी भर नहीं करा था, ओकर बल की वैल्यूएशन करा था, इमली लेते बेच दे रही, हम कहें बीजा निकाल, बीजा निकलो नहीं, पैसा मिला थे पैकिंग के पैसा मिला था, पैक करके बेचबे तो ज्यादा कीमत मिलती, तो यही चीज जब बोरा में बेचबे वो सस्ता में, और वही किलो किलो पैकिंग कर देवे ओकर रेट बढ़ जाते, वही पाए गए हमन पैकिंग करके छत्तीसगढ़ के ढेकिंग कूटे चाउर की कीमत 100 रुपया किलो, वो काम हमन करवा था। तो ये प्रकार से कैसे हमारा हमर जिन उत्पाद है तेकर ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके, ये हमार मन के कोशिश, और वो कोशिश में हमारा सफलता मिला थे, आशीर्वाद आप सबके मिला थे, सहयोग मिला थे। तो पूरा देश में आर्थिक मंदी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं है। अभी कुछ मन तो कलेक्टर राजनीतिक दल के मन धरना उरना दे थे, तो मैं कहें कावर धरना दे थस, तो धान खरीदी नहीं होए,
मैं कहें तोर सरकार में जतका खरीदे उतने से ओकर ले ज्यादा अभी अभी 10 दिन बांचे है ओकर ले ज्यादा खरीदी कर चुके हैं। बारदाना के संकट जरूर है, इस केंद्र सरकार हमारे पूरा बारदाना नहीं दीस। हम कहें राइस मिल वाला मन दो बारदाना, जतका पीडीएस दुकान है तेकर से लेन बारदाना, उकर बाद भी नहीं पूरी हुई तो किसान मल्ल कहें कि भाई आप कर जेन बारदाना तेला ले आओ। कावर के संकट के समय कावर के कोरोना में सब फैक्ट्री मन बंद रही से, तो बारदाना फैक्ट्री तक बंद रही से ओकर कारण से परेशानी है। लेकिन अभी तक के हमारे अधिकारी मन कर्मचारी मन जेन मेहनत करी ओकर से फायदा ये 81 लाख मीट्रिक टन धान हमारे खरीदी हो गए। 81 लाख, पिछले साल 83 लाख खरीदे रहें, ये साल 90 लाख मीट्रिक टन जाही। हम खरीदबो में कोई कमी नहीं आमदन, लेकिन लगातार केंद्र सरकार कहा थे 3 ठक कानून ला है, वो कहा थे ओकर से निजी व्यक्ति जब खरीदी तो आय दुगुना हो जाही। तो मैं हाँ ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन कहना चाहता हूँ, तो हमारे सोसाइटी में कावर बेच दे तुम, निजी हाथ में बेचे रहते तुम्हारा आय दुगुना होतीस। 1868 रुपये में कावर बेचे और वो जतका धरना देवी है ना कल तेकर मन के धान बेचा गए, वो पैसा तक पाड़ रहे ते मन धरना दी काली। यदि पैसा भी झोंक ले तो यदि केंद्र सरकार की योजना ठीक है तो हमारी योजना के तहत धान कावर बेचे और तुमन लग पसंद नहीं आते थे तो सब जन लिख के दो राजीव गांधी किसान योजना का पैसा तुमन लग नहीं चाहिए, तेमन तो जाए धरना देवर। जब हमारी योजना पसंद नहीं है तो काबर ते ओकर विरोध, यदि या फिर ते योजना का लाभ लेता तेकर मतलब केंद्र सरकार के जिन कानून है तेकर ते विरोध करा था। दोनों बात नहीं हो सक भाई, एक ठक बात हो ही ते यदि विरोध भी करस और वहां समर्थन भी करस, ये दोनों चीज नहीं चला है। यदि विरोध करा था तो फिर यूं होते वही बुतल कर, या धान नहीं बेच रहे थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं लेते तब तो मानते हाँ भाई ते केंद्र जिन कानून पास करे ते करते हैं समर्थन करा था। तो ये दो मुंह वाला बात दो ठीक गला नहीं चला है। कैसे तू का गला एक ठक होना चाहिए, दो गला नहीं होना चाहिए, दो गला होते तो काय की थे। हाँ बोल तू मन कहा। मैं आप सब ल आज क्योंकि एक ठक और कार्यक्रम है वहां जाना भी है और ओकर से थी बहुत ज्यादा होना करते हुए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक के कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुए। हमारे आदिवासी अंचल में खूब कोदो कुटकी उत्पादन होते, चाहे बस्तर हो चाहे राजनांदगांव हो, सब जगह कोदो कुटकी उत्पादन होते। अभी मंत्रिमंडल के जब भी बैठक हुई कोदो कुटकी के तक समर्थन मूल्य घोषित हुई और उहुल हमन खरीदवो, ताकि हमार गांव के रहिया मन के, आदिवासी क्षेत्र में रहिया मन के, वनांचल में रहने वाला मन के आय के साधन बढ़े, आर्थिक स्थिति सुधरे। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बाद लरावटी जी के इस मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पिछले सरकार तो सब वो वाइंड अप कर दे रही से, हमन फिर से जिन आयोजन है जिला निरस्त कर दे रही से वो फिर से परीक्षण करा था। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन के पट्टा देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है और आगे भी वो जारी रही। सामुदायिक दावा भी कि पट्टा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में देने वाला कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अब तो जंगल मन में अब ये सागुन के पेड़ नहीं लगाए बल्कि फलदार वृक्ष लगी, चाहे वो हर्रा हो चाहे बहरा हो चाहे महुआ हो चाहे आंवला हो चाहे वो चार हो चिरंजी हो चाहे वो तुम जाम लगाओ चाहे जामुन लगाओ, लेकिन फलदार वृक्ष लगाओ ताकि हमार आदिवासी मन के परंपरागत रूप से जो जंगल में रहे थे ओकर मन के आय के साधन बढ़ाए। जैन जल जंगल जमीन के बात आप मन करते हो, पहले आदिवासी मन पलायन नहीं करत रही से, जंगल से सब कुछ मिल जात रही से, लेकिन अब देखा था कि बहुत ज्यादा आदिवासी मन पलायन करेल धल्ले। पहले तो हम समझते रहे कि तेलंगाना जाते
ज्यादा समझत रहे आंध्र प्रदेश जाते ए बखत जब लॉकडाउन होइस तो फोन आइस भैया मैं गोवा में हमन 150 हमन कोंडागांव जिला कन सुकमा जिला कन ओकर बर बस भेजे काम कर्नाटक में कोनो फंसे है कोनो तमिलनाडु फंसे है आखिरी केरल जिन हमार सबसे आखिरी में वहूँ हमार आदिवासी नौजवान मन गेरिस और ओकर स्थिति ये बात बहुत तकलीफदायक है और हम फैसला लेन अब फलदार वृक्ष हमारे जंगल में लगी ताकि कोर से आय बने रहे और पर रोजगार के काम संगीता सड़क के लिस्ट दे है और इसे अनिला भाभी तक दे रही थी लेकिन मैं आप मतलब बताता हूँ अभी सबो जिलम जाता हूँ सरगुजा संभाग पूरा हो गए बिलासपुर संभाग पूरा हो गए बस्तर संभाग के दूठी जिला कट रहे हैं अभी फिर से जवैया हूँ ओकर बाद रायपुर संभाग जाऊँ तेकर बाद हमार दुर्ग संभाग में खुद दुर्ग संभाग के हूँ तेकर से सबसे आखिरी में दुर्ग संभाग बालोद भी आऊँ बालोद में दिन भर तुहर संग रहूँ रात के तुहर मन से सबो समाज वाला मन से जतेक भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मन है तेकरो मन से मिलूँ और यहाँ रात रुकूँ बालोद में दूसरा दिन फिर रही बो साथ में और जतका भी तुम्हार मांग है तेकर घोषणा भी करबो शिलान्यास भी करबो लोकार्पण भी करबो ओकर स्थिति में यहाँ अतिरिक्त यहाँ कोई घोषणा नहीं करा था क्योंकि वो पुलिया यह एक मांग है तेकर में घोषणा कर दें बचत के घोषणा है तेन बालोद में हुई वहाँ पूरा जिला स्तर के सम्मेलन भी करबो सबसे किसान मन से मजदूर मन से सबसे भेंट भी करबो तो बहुत ज़्यादा उन्हें कहते आप सब ल बड़े संख्या में हम उपस्थित हो ते कर बार आप सब ल हृदय से धन्यवाद देते हुए गायन सिंह जी जैन हमार महापुरुष जैन स्वाभिमान भर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान भर आदिवासी सम्मान भर जैन लड़ाई लड़ी तेला पुनः स्मरण करते हुए आपन अतेक बड़ा आयोजन करे तेकर बर बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़।